हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ फिर फ्रॉस्टबिन के खेत की तरफ, जहाँ हमने फ्रॉस्टबिन की बिजाई की थी। तो मैंने आपके सामने फ्रॉस्टबिन की बिजाई की थी, तो आपको बताया था कैसे जो बीन्स की बिजाई की जाती है और कैसे जो है कितने बाई कितने स्पेस में और कितना बाई कितना मतलब प्लांट टू प्लांट जो है डिस्टेंस दिया जाता है, लाइन टू लाइन डिस्टेंस। तो पूरी जानकारी मैंने आपको बिजाई के टाइम वीडियो के माध्यम से बताई थी। तो आज फ्रॉस्टबिन का प्लॉट देखो दोस्तों, एकदम जो है एकदम ग्रो कर गया है। एकदम ग्रो करने का कारण भी बताता हूँ आपको, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। तो साथ में चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि आगे से जो भी जानकारी अपलोड करूँ, जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले जो आप तक पहुँच सके। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्रॉस्ट बीन्स का प्लॉट है। ये मैंने आपके सामने बिजाई की थी। तो बिजाई करने के बाद जब छोटे छोटे प्लांट आए, तब भी मैंने बताया था कि कैसे जो बिजाई करने के बाद कितने दिन में जो प्लांट जर्मेट हो चुके। तो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताई थी। तो इसके बाद हमने एक गुड़ाई भी की थी। गुड़ाई करते करते जो कुछ एक गुड़ाई की थी, फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। आज दो तीन दिन हो गए कंटिन्यू जो बारिश का दौर है। तो कुछ एक प्लांट जो यहाँ हमने मिट्टी चढ़ा दी थी गुड़ाई करके, दो प्लॉट जो है ऊपरी तरफ भी मिट्टी के चढ़ा दिए थे ये दो प्लॉट। तो आगे जो है गुड़ाई भी करने को है और मिट्टी भी चढ़ाने को है। तो ये देख सकते हैं, जहाँ गुड़ाई कर दी वहाँ फ़र्क और जहाँ नहीं की वहाँ का फ़र्क। तो फ़र्क जो सामने नज़र आ रहा है दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि मेन ग्रोथ का कारण क्या होता है। तो ये थोड़ा ये वाला प्लांट जो एक वैरायटी अलग लगाई थी, वो वैरायटी जर्मिनेट नहीं हुई थी, तो उसकी जगह फिर हमने वही दूसरी वाली वैरायटी का सीड्स जो यहाँ लगाया था। तो पूरा का पूरा एक का एक दाना जो है जर्मिनेशन हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं, मेरा फ्रॉस्टबिन का प्लॉट, कुछ एक हिस्सों में जो है फ्रॉस्टबिन की खेती की थी। तो मैंने आपके सामने ही बिल्कुल सब कुछ खेती की थी, आपको बताया था कि कैसे जो है फ्रॉस्टबिन की बिजाई की जाती है और कैसे जो है किस लाइनों में लगाई जाती है और कैसे लाइनें लगाई जाती है। तो पहले वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ जानकारी बताई थी। तो आज जो है बारिश का दौर है दोस्तों, देख सकते हैं मौसम अभी भी जो है, आज सारा दिन जो बारिश रही, तो अभी भी जो बारिश शाम को बारिश होगी पक्का होगी, क्योंकि जो है मौसम साफ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कैसी इसकी सिचुएशन है, कैसे जो है धूरी पड़ी हुई चारों तरफ, और मतलब बादल है और चारों तरफ धूरी है। तो इससे साफ पता लगता है कि इससे जो है बारिश होगी, आज रात को भी बारिश होगी। तो आज पूरा दिन बारिश रही, कल भी बारिश थी थोड़ी थोड़ी, परसों भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो देख सकते हैं ये परसों रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और आज कल भी बारिश थी थोड़ी, और आज भी जो है बारिश है। तो देख सकते हैं ये आज तो पूरा दिन बारिश रही। तो बारिश की वजह से जो है बिल्कुल प्लांट जो है मतलब प्लांट को प्रॉपर पानी मिल गया, और प्रॉपर जो इसकी अभी हमने जो गुड़ाई की थी, तो गुड़ाई करने से मिट्टी से जो भी न्यूट्रिशन थे वो मतलब सारे जो है अगल बगल के सारे भी जो भी न्यूट्रिशन थे वो बारिश की वजह से, बारिश के पानी से बिल्कुल एकदम प्लांट ने जो है अपनी तरफ जो आकर्षित कर ली, खींच ली, और इससे प्लांट एकदम से हाइक हो गया, बिल्कुल एकदम से जो ग्रो कर गया। और प्लांट जो मैं आज दो दिन बाद खेत आया, तो मैं हैरान हो गया कि प्लांट जो इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। कई प्लांट ने तो बेले भी छोड़ दिए, कुछ एक ऊपर की तरफ जहाँ ज़्यादा जो है, ये देख सकते हैं कुछ एक बेले आ गई यहाँ इस तरह की। ये मैंने पहली बार देखा कि कुछ बेल्स वाली बीन्स है क्या, मतलब इस तरह की बीन्स जो है मैंने पहले नहीं होती थी। तो अभी जो इसमें जो है प्लांट जो एकदम से ग्रोथ कर गया, और ग्रोथ की वजह से जो इसमें बेल्स टाइप की कुछ इस तरह से जो बेल्स आ गई। तो ये देख सकते हैं ये बेल्स की वजह से मेरे को लगता है कि प्लांट जो है और बड़ा हो जाएगा, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जितना हमने जो सोचा नहीं था उससे जो बड़ा प्लांट जो है हो जाएगा बारिश की वजह से। इसका धूप लगना भी बहुत ज़रूरी था, कल धूप भी लगी थी कुछ टाइम, मतलब दिन को धूप थी, और शाम को जो है 3 बजे जो बारिश लग पड़ी थी, 2 से 3 बजे बारिश लग पड़ी थी। परसों रात को भी बहुत बारिश हुई थी, फ्राइडे से बारिश का दौर जो जारी है, फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे, आज 4 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश, मतलब पूरे दिन में कुछ टाइम जो बारिश हो ही रही है, दिन के कुछ टाइम में जो बारिश हो रही है। तो आज तो पूरा दिन बारिश रही दोस्तों, बारिश की वजह से जो है ये खेत में जो प्रॉपर नमी होगी, खेत पूरे जो है मतलब पाँव धंस रहे हैं खेत में जो है। इससे मैंने ओरे के साग की बिजाई की थी, इसको जो बहुत दिक्कत होगी, ये कैसे जर्मिनेट होगा, इसकी बारिश इतनी ज़ोर से हुई कि जो नन्हे प्लांट जो जर्मिनेट हो रहे थे वो प्लांट जो मेरे को लगता है कि डेड हो गए, फिर दोबारा मतलब मुझे काम पड़ गया दोबारा से। तो ये देख सकते हैं ये बीन्स का प्लॉट्स। तो ये आपको पता है कि इसकी बिजाई जो मैंने
सितंबर में की थी इसकी बिजाई मैंने, सितंबर एंड में, अक्टूबर स्टार्टिंग में बिजाई की थी। मैंने आपको बताया था बिजाई के समय भी कि कैसे जो बिजाई की जाती, सितंबर सितंबर के महीने में बिजाई की थी एंड लास्ट, बिल्कुल लास्ट में। तो अभी जो 15 से 20 दिन, आज 15-18 दिन हुए, तो 15-18 दिन में जो प्लांट जो है इसमें मेरे को लगता है दो चार दिन में इस फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रास्बीन की फसल जो बहुत जल्दी हो रही है इस बार, जल्दी हो जाएगी, तो इससे जो हमें काफ़ी अच्छी इनकम प्राप्त हो जाएगी। इसके रेट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं इस टाइम, जो काफ़ी अच्छी रेट मिलते हैं, और इस रेट की वजह से जो है हमें जो मतलब इस छोटे से एरिए में जो काफ़ी मुनाफा हो जाएगा, मेहनत का जो भरपूर सहयोग मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ इस तरफ हमने पालक लगाया था, आगे धनिया लगाया, धनिया भी अभी जो हल्का जर्मिनेट स्टार्ट हुआ धनिया, क्योंकि धनिया की जर्मिनेशन बहुत लेट होती है, तो वो भी जर्मिनेशन उसकी जो अंकुरण स्टार्ट हो चुका है। वो हल्के नन्हे नन्हे प्लांट जो कुछ एक हिस्सों में जो जहाँ नमी ज़्यादा थी वहाँ से प्लांट जो है आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस साग ने मुझे बहुत धोखा दिया, ये औरे का साग की बिजाई की थी, 2 बार कर चुका हूँ, पता नहीं बीज में कमी है या मॉइस्चर नहीं था। मॉइस्चर मैंने इसको फुहार भी लगाई थी, मिट्टी गिल्ली भी कर दी थी, इसने मॉइस्चर बना दिया था, फिर भी मतलब जर्मिनेट तो हो चुका था, आज बारिश ने इसको ख़राब कर दी। तो ये मूली का खेत तो बारिश तो इसको जो वरदान साबित हुई। तो देख सकते कितने मतलब कितनी जल्दी ग्रोथ कर गया ये प्लॉट, पूरा का पूरा प्लॉट देख सकते, बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल बराबर, जो देखने में मज़ा आ रहा है कि वाह यार मूली सच में मूली लगी है। ये देख सकते ये मतलब ऐसा मानो कि मतलब मेहनत कफ पूरा का पूरा फल मिलेगा मुझे इस बार, देख सकते हैं ये। अगर रेट अच्छा रहा तो काफ़ी जो है बेनिफिट हो जाएगा, काफ़ी मुनाफा हो जाएगा, मतलब जितना आगे पीछे नहीं होता था उस हिसाब से जो इस बार मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मूली मैंने वैसे भी जल्दी लगा दी है और हुई भी बहुत अच्छी। देख सकते हैं सफ़ेद मूली तैयार हो रही है, बिल्कुल 2-4 दिन में, बिल्कुल 4-5 दिन में तैयार हो जाएगी, इसको हम जो बीच बीच से उखाड़ने स्टार्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरी मतलब मेहनत का नतीजा। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आगे से जो भी जानकारी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप भी जो कृषि से संबंधित जो है अनेकों जानकारियाँ कलेक्ट कर सकें।